असलम डियर लर्नर्स एंड ऑन्टप्रनीस वेलकम इन द वीडियो हम बात कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विद द लेंस ऑफ ऑनटरप्र्योरशिप और हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर अच्छा आपको एक और स्ट्रैटेजी के बारे में बताना है और वो है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जहाँ हमने काफ़ी देखी कि हमारे पास ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज होती हैं वहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और आपके पास ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शन भी होनी चाहिए यानी इस वीडियो का एजेंडा ये है कि हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी का जो आर्ग्यूमेंट है वो है हाउ टू क्रिएट अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस एंड मेकिंग द कॉम्पिटिशन इरेलीवेंट ये मेकिंग द कॉम्पिटिशन इरेलीवेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो ब्लू ओशन में को यूनिक बनाता है क्योंकि अभी तक हम जितनी भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन uh, की बात करते आए हैं तो उसमें हम ये यही कहते आए हैं कि हमने कॉम्पिटिशन है और कॉम्पटिशन को बीट करना है अच्छा जी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बेसिकली एक बुक है और वो जो बुक है दैट इज रिटन बाय शैन एंड रीन आई गेस आई एम प्रनाउंसिंग देयर नेम्स राइट ये बुक जब मार्केट में आई थी तो इस बुक ने uh, और इस स्ट्रेटजी ने काफ़ी अटेंशन गेन किया बिकॉज स्ट्रेटजी ही बहुत इंटरेस्टिंग uh, थी मेकिंग द कॉम्पिटिशन इरेलीवेंट यानी कॉम्पिटिशन बीट करने के बजाय कॉम्पिटिशन को इरेलीवेंट बना दें मेटाफॉरिकली उन्होंने पूरी की पूरी जो मार्किट है उसको मेटाफॉरिकली यूज़ किया है एज एन ओशन यानी आप मार्केट को इस नज़र से देखें जैसे एक गहरा समंदर होता है और उस गहरे समंदर में शार्क्स होती हैं सो देर आर टू वर्ल्ड्स इन द ओशन एक ऐसा गहरा समंदर है जिसमें बहुत ज़्यादा शार्क्स हैं हेड टू हेड कॉम्पिटिशन है लिमिटेड फूड कैपैसिटी है uh, सभी शार्क्स के पास सो so, उनका सर्वाइवल इसी बात पे टिका है कि कौन कितनी बेहतर फूड ऑप्शन ग्रैब कर लेता है एक दूसरे से जबकि दूसरी तरफ है ब्लू ओशन और ब्लू ओशन में शार्क्स भी कम है मछलियाँ भी कम हैं फूड कैपेसिटी भी ज़्यादा है सो so, कॉम्पटिशन है ज़रूर लेकिन वो सर्वाइवल जो है वो इतना हेड टू हेड टफ नहीं है सो so, एक्चुअली uh, में जो रेड ओशन है दैट इज़ अ मार्केट जहाँ हैड टू हैड बहुत सख्त कॉम्पिटिशन है और जो ब्लू ओशन है बेसिकली वो वो मार्केट है जिसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है सो so, उन्होंने एक्सप्लन किस तरह से किया है इस रेड ओशन को और ब्लू ओशन को रेड ओशन स्ट्रैटी में उन्होंने कहा है कि कन्वेंशनल स्ट्रैटी है जिसमें हम कहते हैं नंबर वन हमारा पहला बिलीव ये होता है कि मार्केट आपकी लिमिटेड है वी आर ऑपरेटिंग इन एक्जिस्टिंग मार्केट मार्केट आपके सामने है नंबर टू इसी मार्केट में रहते हुए आपने कंपेटिटर्स के का मुकाबला करना है और कॉम्पिटिशन को बीट करना है अभी तक जितनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वीडियो हैं उसमें हम यही बात करते आए हैं बीट द यू यू शुड शुड हैव हैव योर योर की सक्सेस फैक्टर्स सस्टेनेबल दिशा एडवांटेज आपको जो भी काम करना है वो अपने से बेहतर करना है फिर उसके बाद बिलीव क्या है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है दैट इज लिमिटेड बिकॉज कस्टमर्स जो है ना वो लिमिटेड है सो जब कस्टमर्स लिमिटेड हैं तो उनकी डिमांड लिमिटेड है और उसी डिमांड को आपने एक्सप्लॉइट करना है और उस डिमांड को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा या वैल्यू या कॉस्ट यानी इन अदर वर्ड्स अगर आप कहते हैं कि आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं तो आप प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और अगर आप कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस हैं ठीक है तो आपको वैल्यू थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी यानी आपको वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ेगी इन अदर वर्ड कंक्लूजन ये है कि अगर तो आप रेड ओशन में हैं आपके पुराने कन्वेंशनल बिलीफ हैं हेड टू हेड कंपटीशन है मार्केट लिमिटेड है, है तो आपको वैल्यू या डिफ्रेंसीशन इन्हीं दोनों के दरम्यान में रहते हुए अपनी जो मार, अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उसको अलाइन करना पड़ेगा दी ऑफर एन ऑल्टरनेट ओशन एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी एंड दैट इज़ ब्लू ओशन स्ट्रैटी ब्लू ओशन में वो ये कहते हैं कि वाई नॉट कि जो ऐसी मार्केट है जहाँ पर हेड टू हेड कंपटीशन है आप इस मार्केट से बाहर निकलिए और एक अनकंटेस्टेड मार्केट में चले जाएं ऐसी मार्केट बल्कि क्रिएट करें दिस इज क्रिएट एन अनकंटेस्टेड मार्केट वो क्रिएट किस तरह से होती है वो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन वो आपकी सर्विस वो आपकी स्किल सेट वो आपका कोई भी इनोवेटिव आइडिया जो आपको बजाय इसके कि आप एक ऐसी मार्केट में चाहें कॉम्पटिशन बहुत ज़्यादा है क्रिएट करें अनकंटेस्टेड मार्केट और जब आप अनकंटेस्टेड मार्केट में जाते हैं तो आपका फोकस कंपटीशन बीट करना नहीं रहता आप कंपटीशन को ही रेलिवेंट कर देते हैं यानी नंबर वन या तो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस इतनी वैल्यू uh, और इतनी इनोवेटिव होती है कि आपको इसके लिए कंपटीशन आपके पास uh, नहीं होता या फिर नंबर टू आपकी जो प्रोडक्ट और आपकी जो सर्विस है वो आपके कंपटीशन को बीट नहीं एरेलिवेंट बना लेती है फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बजाय इसके कि आप एग्जिस्टिंग डिमांड के पीछे भागें क्रिएट योर ओन डिमांड और आप बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में देखते हैं जो आपके वहमें घुमान भी नहीं थी और फिर अचानक वो प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में आई और फिर आपने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया सो so बेसिकली ये एग्जाम्पल है क्रिएटिंग अ न्यू डिमांड और फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों ट्रेड ऑफ करें हम इनोवेट करते हैं हम वैल्यू और कॉस्ट के दरम्यान में कोई ऐसी स्पेस ढूंढ सकते हैं ऐसी इनोवेटिव स्पेस ढूंढ सकते हैं जिससे वैल्यू इनोवेशन और कॉस्ट इनोवेशन दोनों एक साथ अचीव हो सके इन अदर वर्ड्स आपकी जो सारी की सारी फर्म एक्टिविटीज़ हैं वो डिफ्रेंसीशन और लो कॉस्ट पर साइमल्टेनियसली फिक्स हो सकती हैं This is something really very interesting yani again making the competition irrelevant, creating new demand and finding the new ways for value innovation and cost innovation. yani red ocean cynical k a tough comparative market cynical k forty uncontested new market mein aajayin, jahan demand we create or value and cost innovation simultaneously. अचीव कर सकें ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के तहत इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में